हेलो दोस्तों, स्वागत है भीतु से जुट में। मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोगों को बताएं, मेरे पास एक सोनी का टीवी आया हुआ था। मॉडल नंबर दिखाइए सर। मॉडल नंबर है KDL43W860D। इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए आपको लाइन देके दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं लाइन देके। ऑन कर दिए स्विच। देखिए इंडिकेटर आ गया यहाँ पे, देख रहे हो व्हाइट। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, देखिए एक लाइनिंग भी आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। देखिए पूरा डिस्प्ले व्हाइट हो गया। देखिए अब व्हाइट होने के बाद तो दिखाइए सर यहाँ पे कितना टाइम बिलिंग में जा रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हाफ टाइम बिलिंग में जा रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से वापस मैं आपको ऑफ करके दिखाते हैं प्रॉब्लम। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इस तरह से व्हाइट होके व्हाइट खत्म हो जाता है। फिर ये व्हाइट इंडिकेटर जो है रेड इंडिकेटर में बदल के फाइव टाइम ब्लिंक में जा रहा है। देखिए फिर एक और दोबारा व्हाइट हुआ, देखिए अब फाइव टाइम ब्लिंक में जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते आपको। फिर इसको कहीं फाइव टाइम बिलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, कभी कभी तो आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, LVDS को देखना है गंदा है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए LVDS तो वैसे गंदा है नहीं, अगर आपके पास रबर है तो रबर से आप साफ करके वापस ला के देखिए, अगर तत्काल तो आ जाएगा, लेकिन फिर आप दोबारा ऑफ करके ऑन करिएगा तो उस टाइम डिस्प्ले नहीं आएगा, ओके। तो चलिए फिर से देखते हैं, LVDS साफ कर दिए हैं, फिर से वापस लेन देके आपको हम चेक करा। देखिए तो भी इस तरह का ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए इसमें हम टिकॉन चेंज करके देखते हैं। देखिए इस तरह का टिकॉन लगा हुआ रहता है इसके अंदर, तो आप सेम टिकॉन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास सेम टिकॉन है तो वो भी लगा सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो इसके जगह पर हम ये टिकॉन लगाएंगे, ठीक है। कंपनी दोनों का सेम ही है जी, कंपनी का टिक दोनों सेम कंपनी का टिकॉन है, ओके, सेम कंपनी का टिकॉन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टिकॉन हम ये इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले इसके पीछे क्या करना है, आपको टेप थोड़ा लगा देना, ठीक है। टेप इसमें हम टेप क्या करते हैं, इसमें लगाकर और ये जब भी आप मार्केट में टिकॉन परचेज करिएगा तो ये कन्वर्टर आपको नहीं मिलेगा, ये अलग को अलग से परचेज करना होगा, ठीक है। ये आप अलग से परचेज कर सकते हैं। चलिए इसको फिर वापस इसमें कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दिए। अब करना क्या आपको, इसमें थोड़ा क्या करना है, टिप मार दीजिए कि अगर आप आगे पीछे करिए वो उठे ना। इसलिए अगल बगल मार दीजिए थोड़ा टिप, यहाँ भी मार दीजिए। ये दोनों जगह टिप मार दिए, अगर मिले तो आपको इस सेट से थोड़ा बहुत
कर दीजिए कि अगर आप टिक, देखिए कितना, अगर आप ये वाला टिकॉन लगाते थे आपको हटाना पड़ता था। चलिए इसको हम हटाएंगे नहीं, वापस इसको हम इसी में लगा देंगे, ठीक है। इसको हटाएंगे, लगा हुआ था तो इसमें आप इंस्टॉल कर दीजिए इसको, ठीक। इसमें क्या करते हैं, एक दो बोल्ट का करते कर टाइट कर देते हैं, दो बोल्ट टाइट कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम लाइन देके चेक करके दिखाते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, ये बोल्ट हम टाइट कर दिए, ठीक है। अब करना क्या, इसको फिर वापस आपको इसके जगह पे लगाने के लिए आपको इसको टाइट करना होगा, ठीक है। चलिए इसको ऊपर बैठा देते हैं, बैठाइएगा तो उसको अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि इधर है गैप रह जाता है, तो गैप नहीं रहना चाहिए, गैप रहेगा फिर आपको वापस दोबारा टीवी खोलना होगा। तो चलिए अब इसको हम इसमें क्या करना, आपको दो बोल्ट तब तक टाइट करके आपको दिखा देते, क्योंकि जब भी ये टीवी लाइन दीजिए तो बोल्ट में बोल्ट कस दीजिएगा इसमें, उसके बाद ही आप इसमें लेन दीजिएगा। बोल्ट टाइट कर लिए, अब करते हैं क्या है, इसमें टीवी को लाइन देते हैं, ठीक है। चलिए लाइन दे दी है टीवी में, थोड़ा टीवी प्रेस करना होगा जब नया टिकॉन लगेगा तब। देखिए इंडिकेटर आ गया, इंडिकेटर है लेकिन 5 टाइम ब्लिंक में चले गया, इंडिकेटर आया 5 टाइम ब्लिंक में चला गया, ये कोई बात नहीं, इंडिकेटर आया 5 टाइम ब्लिंक में चले गया। इसको क्या करते हैं, रिमूव कर निकाल लेते हैं, अब क्या करते हैं टीवी को ऑन करते हैं। देखिए जब व्हाइट लाइट आ जाए ना तो फिर वापस उसको क्या करते हैं, हम वैसे इंस्टॉल कर देते हैं, इसमें इंस्टॉल करें और फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए ये आ गया, इंडोर टीवी है, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं क्या हो पाएगा, लोडिंग हो रहा है। देखिए सब आ गया,
देख रहे हैं सब आ गया और फाइव टाइम बिलिंग में नहीं जा रहा है टीवी। अब करते क्या फिर देखिए, जब लाइन हम दिए थे टीवी को यहाँ पर वाइट लाइट का उसका एलईडी से लगाए तो टीवी ऑन हो गया, कोई बिलिंग में नहीं जा रहा है टीवी। तो अब क्या करते, टीवी को ऑफ करते हैं, फिर से वापस ऑन करते, टीवी ऑन करते हैं और बटन प्रेस करना होगा आपको। देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट आया, फाइव टाइम बिलिंग हो जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको करते क्या, फाइव टाइम बिलिंग हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पर ये थोड़ा जूम करके दिखाइए, इस रेजिस्टेंस को क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, तो दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद क्या करना है, इसमें फिर से आपको लाइन देना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, लाइन देना है, ठीक है, लाइन देना है इसमें। अब लाइन देने के बाद क्या करना है, ये ऑटोमेटिक ऑन होगा, एक आपको फर्स्ट टाइम बटन प्रेस करना होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, दिखाइए सर, आपको क्या करना, बटन प्रेस करना होगा। अब इसमें एंड्रॉइड लिखेगा, ठीक है, एंड्रॉइड आ गया लिखा हुआ, दिखाते बने रहिए वीडियो में। देखिए एंड्रॉइड आया, अब सब ऐप आएगा, बने रहिए वीडियो में, दिखाते आपको। जब आपको आ जाएगा बिलिंग में, फाइव टाइम नहीं जाएगा, ठीक है, देखिए सब आपको आ गया है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, फाइव टाइम बिलिंग में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अब फिर वापस ऑन ऑफ किए, ऑन किए टीवी को, ठीक है, अब आपको फाइव टाइम बिलिंग में नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा टीवी, बिना बटन दबाए हुए ऑन होगा। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन फिर थोड़ा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। रिमोट है तो रिमोट अगर प्रेस करेंगे तो उससे भी आ जाएगा, नहीं तो फिर वैसे कितना आता है रिमोट प्रेस करना तो तब आता है, नहीं तो फिर एक बार बटन प्रेस करिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, फाइव टाइम बिलिंग में नहीं जाएगा टीवी आपका भी। देखिए एक बार बटन दबेगा यहाँ खुल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, अगर रिपेयरिंग की जानकारी चाहिए बी2institute.com पे जाकर जानकारी ले सकते। थैंक यू दोस्तों।